जी माना जाता है कि अगर आप राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल के जन्माष्टमी के दिन श्रृंगार करते हैं तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर दोगुनी फल की प्राप्ति होती है। तो राशि के अनुसार किस रंग के वस्त्र का श्रृंगार करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। लड्डू गोपाल का श्रृंगार जन्माष्टमी के दिन सब लोग अपने अपने घरों में करते हैं और कोई ऐसा घर नहीं है जहां भगवान कृष्ण की पूजा नहीं होती है। तो अपने राशि के हिसाब से यदि उनका श्रृंगार और वस्त्र मुकुट इत्यादि यदि पहनाएं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। यदि आपका मेख राशि हो, मेष, सिंह और वृश्चिक, ये तीन राशि वाले भगवान कृष्ण का श्रृंगार लाल वस्त्रों से करें, या तो फिर गुलाबी कलर का वस्त्र हो, लाल या गुलाबी, दो कलर के वस्त्रों को यदि आप पहना करके भगवान लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं तो आपके राशि के अनुसार आपको विशेष फल मिलने वाला है। दूसरी, वृषभ, कर्क और तुला, ये तीन राशि वाले यदि सादा वस्त्र भगवान को पहनाएं, सादा मुकुट पहनाएं, तो राशि के हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरा जो है मिथुन और कन्या, ये तीनों राशि के अधिपति जो हैं वो हरे रंग के, तो हरे रंग के वस्त्र जो हैं वह लड्डू गोपाल को पहनना है। वृश्चिक, ये धनु और मीन, धनु और मीन वाले पीला वस्त्र पहनना है। मकर, कुंभ, भूरा या नीला, ऐसे वस्त्रों के साथ यदि लड्डू गोपाल का श्रृंगार और पूजन और उसी कलर का मिठाई भी यदि आप अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से उन राशि वालों को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा निश्चित रूप से होगी। यदि आप लड्डू गोपाल से पुत्र की कामना करके पूजा करते हैं तो लड्डू गोपाल आपको पुत्र की कामना निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आपको निश्चित लड्डू गोपाल ही आपके घर में अवतरित होंगे पुत्र के रूप में। यदि आप भगवान कृष्ण को अपने पुत्र रूप में आप मान करके उनका श्रृंगार करें तो निश्चित रूप से आपके घर में भगवान का प्रकट होना निश्चित है।